दंतेश्वरी माई की मिट्टी का मैं सपूत हूँ, इंद्रावती नदी की माया से अभिभूत हूँ, आदिवासी क्षेत्र जो उत्थान को अग्रसर है, बस्तर कितना सुंदर तुम्हें आओ मैं सबूत दूं, आमचो बस्तर आमचो बस्तर। शाउट आउट टू माय पीपल कि उसने वो झुमका पहना नहीं, उसने मेरी मोहब्बत से इनकार कर दिया। क्या बात है। मैंने उस झुमके पर शायरी लिखी, मैंने उस इनकार को प्यार लिख दिया। क्या बात है, क्या बात है। किस उम्मीद से, किस आस से तेरे घर के आगे पास से। नमस्कार, इस वक्त हम बस्तर में हैं। बस्तर के तीन धुरंधर हमारे साथ हैं, तीनों संगीत प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं और अपने अलग अलग फील्ड में बड़ा नाम कर रहे हैं। बस्तर को देखने का जो नज़रिया हमारा शुरू से रहा है, बाहर के शहरों में बैठकर बस्तर में आज जहां हम बैठे हैं वहां से हमारा नज़रिया बेहद अलग है, बदला है। क्योंकि ये जो तीन लोग हैं वो यहां के संगीत, यहां की संस्कृति को लेकर के बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ इस जगह पे तशीश है, तशीश मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ, और हमारे साथ प्रखर हैं, प्रखर रैप करते हैं, है ना, रैप करता हूँ, और अनुराग जो है, अनुराग हमारे साथ, अनुराग म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं और गाने लिखते भी हैं, आप गाने बना भी रहे हैं। गाने लिखता नहीं हूँ, बट गाने बना रहा हूँ। तो ये सब ओरिजिनल कंटेंट वाले लोग हैं, है ना, जो बॉलीवुड में चल रहा है उसको कॉपी नहीं करते हैं आप लोग, है ना। तो हम इन लोगों से आज गाने भी सुनेंगे, थोड़ा सा मस्ती मजाक में ही सही, लेकिन यहाँ के चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ की राजनीति को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि पहले ही इन लोगों ने कहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर यहाँ की पॉलिटिक्स से तो नहीं है, लेकिन क्या कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पर ज़रूर बात की जाएगी। इनके जो गाने हैं वो मैंने पहले ही बोला कि यहाँ की संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही बहुत अलग तरह का टैलेंट है जिसे मुझे लगा कि मैं अपने जिस्ट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब तक भी पहुंचाऊं और आपको दिखाऊं कि बस्तर सिर्फ जैसा आपने पढ़ा है और जैसा कभी नक्सली अटैक हो गया तो उस दौरान आपने टीवी मीडिया चैनलों में इसके बारे में देखा है या फिर चुनाव के दौरान देखा है, वैसा बस्तर नहीं है। किस उम्मीद से, किस आस से तेरे घर के आगे पास से। गुजरता भी हूं मैं उस रास्ते, डरता भी हूं मैं इस बात से कि तुम मिलोगी पर ना मुलाकात होगी, तुम दिखोगी पर ना तुमसे बात होगी, तुम मिलोगी पर ना मुलाकात होगी, तुम दिखोगी पर ना तुमसे बात होगी। बात हो रही थी उस प्यार की जो मुकम्मल नहीं हो पाया, तो क्या कि जो शायर होते हैं ना वो भी वैसे ही होते हैं जितने भी होते हैं, कि कोई प्यार कर नहीं पाता है, सब बस लिखते हैं प्यार के बारे में। तशीश बता दें कि ये शायर हैं, बॉर्न भी शायर हैं दोस्तों। हाँ ठीक है, तो कहानियाँ लिखते हैं, शायरी करते हैं, आज ये
गरबा में एंकरिंग भी कर रहे थे। जी 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 बिल्कुल। तो बहुत सारे इनके टैलेंट हैं। खास मैं यहाँ पर तैयार होकर आया हूँ। अच्छा हाँ, ये मफलर वगैरह शॉल वगैरह लगा मांगी हुई मफलर। ठीक है, तो अपना शेर पूरा करिए। जी हाँ, तो शेर ये है कि उसने वो झुमका पहना नहीं, कि उसने वो झुमका पहना नहीं, उसने मेरी मोहब्बत से इनकार कर दिया। कि उसने वो झुमका पहना नहीं, उसने मेरी मोहब्बत से इनकार कर दिया। क्या बात है। मैंने उस झुमके पर शायरी लिखी, मैंने उस इनकार को प्यार लिख दिया। क्या बात है, क्या बात है। क्या? मतलब इस पे तो एक छोटा सा हम लोग ताली बजा सकते हैं, जिसके हाथ में गिटार नहीं है वो लोग, है ना। फिलहाल शुरुआत एक तरीके से हो गई है। मैं साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोग, जैसे ये जगदलपुर बहुत छोटा इलाका है, आप लोग यहाँ से बाहर निकले पढ़ने लिखने के लिए, कई लोग यहीं से पढ़े लिखे हैं, यहाँ की कमियाँ क्या हैं, आप लोग जब एक नए टैलेंट में आए हैं तो आप लोगों के लिए चुनौतियाँ क्या हैं, इसके ऊपर बातचीत करें और हमें बताएं। तो प्रखर, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। देखिए, पहले तो बस्तर को जैसा दिखाया गया है हमेशा, मैं ये हमेशा बोलता आया हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा कि बस्तर को हमेशा ये दिखाया गया है कि जो डिफरेंट प्रॉब्लम है यहाँ पे, है ना, कि संसाधन की कमी है, चीज़ों की कमी है। मेरा मानना ये है कि संसाधन कम हो पर अगर इंसान का विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो वो संसाधन से भी सोना उगा लेता है, कम संसाधन से भी सोना बना लेता है। तो अगर बेसिकली हम यहाँ पे बात करें, जैसा जैसे जाहिर सी बात आपने कहा कि छोटा शहर है, तो छोटे शहर का अपना मज़ा है और अपनी कमियाँ हैं। छोटे शहर की कमी अगर आप बोलेंगे तो रिसोर्सेज की कमी रहती है, बेसिकली जग जाहिर है वो हर जगह, पर टैलेंट की कमी नहीं होती। टैलेंट इतना ज़्यादा रहता है यहाँ पे, बस एक राइट प्लेटफॉर्म का वेट रहता है कि एक राइट, अब चलिए अब तो ये हो गया कि अब सोशल मीडिया आ चुका है तो अब तो प्लेटफॉर्म भी मतलब हमारे जेब में होता है। एक वीडियो बनाए नाउ हम यहाँ से आराम से जहाँ भी हमको करना है जो भी चीज़। तो बेसिकली अगर देखा जाए बस्तर जो है, बस्तर को जैसे लाइट पे दिखाया गया है, मैं एज एन आर्टिस्ट मैं यही चाहता हूँ कि बस्तर की जो छवि है वो चेंज हो, और वो होगी एट अ टाइम। अभी धीरे धीरे जो चेंज हो रही है और वो बहुत अच्छा दिख रहा है चेंज होता हुआ, मुझे ये लग रहा है, आसार लग रहे हैं कि आने वाले 3 साल में बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा बस्तर में, और यहाँ से कोई एक मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट निकल चुका होगा, मुझे भरोसा है पूरा। चलिए बेहतर। तो आप बस्तर के लिए जो आप मतलब रैप लिखते हैं कर रहे हैं, न सिर्फ बस्तर के लिए, विश्व पटल पे वो जाए, इस तरीके का काम है आपका, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने वो शब्द, अपना वो रैप हमें और हमारे दर्शकों को सुनाएं जरूर। आमचो बस्तर सबसे प्यारा, आमचो बस्तर रूप निराला, आमचो बस्तर पावन धारा, आमचो बस्तर, आमचो बस्तर। दंतेश्वरी माई की मिट्टी का मैं सपूत हूँ, इंद्रावती नदी की माया से अभिभूत हूँ, आदिवासी क्षेत्र जो उत्थान को अग्रसर है, बस्तर कितना सुंदर तुम्हें आओ मैं सबूत दूँ, चौराहों का शहर जगदलपुर है सुनहरा, सैलानी आते साल भर और कहते हैं अनोखा शहीद पार चौपाटी, दल्प सागर में हम घूम के फिर चीला फरा खाने भाई जाते गढ़कल्ले ए, बस्तर का दशहरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, चित्रकूट और तीरथगढ़ की दुनिया भी मुरीद है, कुटुम्बसर गुफा में अलग फील अलग जोन, कांगेर घाटी का नजारा भी तो कितना हसीन है, हल्बी भत्री गोंडी है हमारी मुख्य भाषा, गौड़ नृत्य भत्रा नाट कला को दर्शाता, और चपड़ा चटनी महुआ संग लोगों को जुमाता, और रैम्स की टॉप 5 डिश में आता क्योंकि आमचो बस्तर सबसे प्यारा, आमचो बस्तर रूप निराला, आमचो बस्तर पावन धारा, आमचो बस्तर, आमचो बस्तर। शाउट आउट टू माय पीपल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार आपने ये रैप लिखा है। जब आपकी कला, आपकी संस्कृति आपके उस भाषा में निहित होकर आती है तो बेहद खूबसूरत होती है, है ना। तो तशीश, आपके लिए बस्तर क्या है, आपका इमोशन बस्तर के लिए क्या कहता है, आपके शब्द क्या कहते हैं, इस पर आप कहें, और उसकी कोई छोटी सी कहानी हो तो। पहली चीज़ तो जितने भी आपके दर्शक जो हैं, श्रोतागण जो हैं, जो ये वीडियो देखेंगे, वो ये सोच के देखेंगे कि अरे बस्तर लिखा हुआ है इस पर, लेकिन हमारे लिए वो बस्तर ही है। तो वो जो एक सबसे पहली चीज़ मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि बस्तर ना अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है,
कुछ को यहाँ की मौसम के बारे में पसंद है, मतलब कुछ को यहाँ का मौसम अच्छा लगता है, कुछ वाटरफॉल्स देखने आते हैं, चित्रकूट बहुत फेमस है यहाँ पर, कुछ को गुपचुप बहुत पसंद आता है, कुछ ये सोचते, अच्छा कुछ को ये भी लगता है कि हम बम बनाते हैं। गुपचुप गोलगप्पा ना? हाँ जी हाँ जी। और बम बनाते हैं सब मतलब क्या है? अरे हम जब गए थे ना एक बार दिल्ली परफॉर्म करने गए थे, रायपुर भी गए थे, तो वहाँ पे वो कहते हैं अरे तुम्हारे नेटवर्क आ गए, स्टैंड अप कॉमेडियन जोक्स करते हैं ऐसे, मैं खुद भी कॉमेडी करता हूँ तो दो तीन बार हंस देते कि हाँ हाँ ठीक है ठीक नहीं नहीं, बट वो अंदर लगता है क्या नेटवर्क भी आ गया, नेटफ्लिक्स का अकाउंट भी है मेरे पास। यहाँ पर अंधेरे को रोशनी का साथ मिलता है, मेरी बेचैनी ख़त्म तब होती है जब मेरे कंधे पर मेरी माँ का हाथ होता है। मैं उस शहर से आता हूँ जाकि सुबह और शाम में फ़र्क है, मैं उस शहर से आता हूँ जाकि गुपचुप और चाट में फ़र्क है, मैं उस शहर से आता हूँ जहाँ पर जीने का मतलब समझ आता है मुझे, आसमान में घर बनाता हूँ बादल में रहना आता है मुझे, मैं उस शहर से आता हूँ जहाँ पर जीने का मतलब समझ में आता है मुझे। और मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं जब पहली बार रायपुर गया ना, तो अब जैसे मैं खुद को वो कहता हूँ, एक टर्म होता है ना कि कुएं में रहते हैं, मुझे बहुत बोला गया कि अरे तू कहाँ जा रहा है बाहर, नहीं हो पाएगा, रहन दे छोटे शहर से, इतना ओपन माइक कर लिया ना बहुत है, 50-60 लोग आ गए, अरे काफ़ी है इतना, तो अपन इतना ही करेंगे और कहाँ जाएंगे। फिर हमने पॉडकास्ट सुनना शुरू किया, जाकिर खान एक बहुत अच्छे, जाकिर खान जाकिर भाई आपको पता है मैं शून्य पर सवार हूँ, तो मैंने उनको सुनना शुरू किया और बड़े बड़े गाइडेंस मिला, भाई थे प्रखर भाई थे, सौरभ भाई थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं कर लेगा, भाई ने बहुत कमाल की बात बोली थी ना कि सूरज जो होता है ना वो चमकता है, उसको कोई भी ऐसे करके हाथ दिखा के बंद नहीं कर सकता, आँख बंद करने से ना अंधेरा नहीं होता। तो फिर वही कोशिश की, बाहर गए और बाहर किया ढंग से, तो वो जो पर्दा था ना कि क्या सच में कर पाएंगे, हो जाएगा क्या, टैलेंट है क्या नहीं है, तो धीरे धीरे निखर रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा है। बतानी चाहिए दर्शकों को भाई यहाँ पे ऐसे बोलते हैं पिछड़ा हुआ इलाका है, गॉर्डन रैम्से जो वन ऑफ द बेस्ट शेफ है वर्ल्ड का, वो यहाँ आके चला गया और उसके टॉप 5 डिश है जो इंडिया के, उसमें चापड़ा चटनी यहाँ का है ऑन रिकॉर्ड, पता तक नहीं था दुनिया को। आपको यहाँ पे बता दूँ, मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ये चींटियों को मतलब पीस कर बनाया जाता है, अब वो कौन सी प्रजाति की चींटियां होती हैं इसके बारे में आप मुझे बताएं। देखिए बेसिकली जो ये क्या होता है, जो आम का पेड़ होता है उस पर घोंसला होता है चींटियों का, तो उसको निकालते हैं है ना, और ये वीडियो मैंने, ये एक्चुअली ये प्रोसेस मैंने गॉर्डन रैम्से का जो वीडियो देख रहा था तभी देखा था। अच्छा, तब आपको पता चला कि हमारे यहाँ ये भी होता है? नहीं, मुझे पहले से पता था, बट इतने डीपली उसने इतना अच्छा डॉक्यूमेंट किया था उस चीज़ को कि जब उसने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो डिश के बारे में बता रहा है, तो ये बात हमें पता थी, देखे हुए थे, बट देखिए हर एक डिश का अपना एक तरीका होता है बनाने का, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मैंने उसको देखा कि वो घोंसला है उससे चींटी निकाले और चींटी के जो अंडे होते हैं थोड़े छोटे छोटे उसके साथ, और बाकी जो आप बेसिकली चटनी बनाते हैं जिसमें आपकी टमाटर और जो डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं, उसके साथ पीस के इसको चावल के साथ, या मैंने जो पर्सनली खाया है, मैंने पर्सनली खाया है पकोड़े के साथ। खाया है? जी मैंने खाया हुआ है, तो मैं बता नहीं सकता इतना अच्छा टेस्ट है। हमको तो लग रहा है कहीं काटने ले, अरे क्यों काटे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खाएंगे, आप इंजॉय करेंगे, आपको मैं बोलता हूँ ये अपन शूट खत्म करते हैं उसके बाद अपन एक बार ट्राई करते हैं इसको। सही है मतलब आपके लिए क्योंकि कि दिल्ली अब जब जाएंगे तो पूछेंगे क्या किया था बस्तर में, बम मिला था, कहता नहीं चींटी खा गए हैं। हाँ। ये बड़ा रहेगा आपके लिए, वो अभी जो मीम वायरल नहीं हो रहा जग्गू दादा का, पसंद नहीं आएगा। हाँ, प्याज डालने का है ना। हाँ। अब जग्गू दादा वाला वायरल हो रहा ना मीम, मुंह पे मत थूकना मेरे अगर पसंद नहीं आ रहा। हाँ, एक और बात, सबसे बढ़िया बात, अब आप लोग की जैसे अधिकतर मैंने गया जगह है ना आपके नॉर्थ साइड पे, मोहल्ला बोलते हैं, हमारे यहाँ पारा बोलते हैं, ये पारा होता है, हमारे यहाँ मोहल्ले नहीं बोलते हैं। अच्छा। ये पारा, अच्छा ये पारा का है, यूनिट को एक ठोक दो ठोक, मतलब बहुत सारे ऐसे लिंगोज हैं। हाँ, और जैसे अपन दोस्त लोग बैठे हुए हैं तो हाँ भाई, जैसे आप लोग बोला भाई सीन है, आप लोग का नॉर्थ में जैसे ना भाई यार सीन है यार ऐसा है ना, हमारे यहाँ अरे यार मामा लोग यार सीन क्या है मामा, समझ रहे हो लोग, ऐसा अपना लिंगो है,
तो बेसिकली यही मेरा विचार है कि हम लोग जो यहाँ पे बेसिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जैसे इनके साथ बैठा, कभी भैया के साथ बैठा, बात कर रहे हैं हम लोग अपने लिंगों पे, ये देखिए क्या हो रहा है आज की डेट में. सब मैं अभी देखता जा रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बाहर मतलब अधिकतर लोगों के जो लिंगो है, उनके बोलने का स्टाइल है, वो बहुत फेमस होता जा रहा है. पर हमारा स्टाइल जो है ना, वो अभी तक आया नहीं है दुनिया के सामने, और जब आ गया ना फिर वो छूट भी नहीं पाएगा. इतनी जायकेदार ये यहाँ का जो स्टाइल है ना, वो छोड़ भी नहीं पाएंगे आप. क्योंकि तो ये शुरू कब होगा भाई? ये शुरू आज ही से हो गया, अभी से शुरू हो गया है. आपके मेरे को मामू बना रेला है क्या? अरे नहीं नहीं, बना रेला नहीं, मामा बोल रहे हैं. सीन नहीं है, वो सीन अपना सेट है, कोई वो ही नहीं है. आप जिस्ट से शुरू हुआ है, और मैं जिस्ट के माध्यम से ना ये पूरे दुनिया देखेगी ये चीज. बेचारा कहाँ जानता है, कलिश है ये क्या खला है, शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है, जश्न ये रास ना आए, मजा तो बस गम में आया है. मैंने दिल से कहा ढूंढना ना खुशी ना समझ लाया गम, तो ये गम भी सही. मैंने दिल से कहा ढूंढ ना ना खुशी ना समझ लाया गम, तो ये गम भी सही. कंधा एक शब्द होता है बहुत यूज किया जाता है कि वो तो कंधा था उसका, वो तो कंधा था. तो उस पर है मेरा अलग टेक है कि यह बात कितनी अजीब पर कितनी खूबसूरत है, कि यह बात कितनी अजीब पर कितनी खूबसूरत है. मुझे पता है उसे मेरी नहीं सिर्फ एक कंधे की जरूरत है. अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आपको क्या लगा इनका इंटरव्यू? हाँ, इसलिए मैं बोल रहा था बीच में कि सर मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, आपको कैसा लगा? बस्तर यार मुझे बेहद खूबसूरत लगा जी. कुछ इलाकों में मायूसियां हैं, कमियां हैं, लेकिन वो हर जगह होती हैं. कहीं थोड़ा ज़्यादा होती है, कहीं थोड़ा कम होती है. बस्तर बहुत बड़ा है. बस्तर के बीच में एक जगदलपुर है. ऐसे ही अलग अलग 7 संभाग हैं, जो मैं यहाँ आके समझ पाया कि 7 संभाग हैं ये होते हैं ना. तो मेरा मानना है कि कुछ जगह अच्छाइयाँ हैं, कुछ जगह थोड़ी कमियाँ हैं जिसको सरकार सुधार सकती है. सरकार एक अच्छी पॉलिसी लेके आ सकती है. पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ तो भाई थोड़ा बहुत ऐसा ही बोलूँगा. लेकिन सही मायनों में जितना बस्तर बदला है उतना और बदलना बाकी है, मेरा अपना अनुमान और मैं जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक करा यही है. तो फिलहाल हम आखिर में ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से चलते चलते ये जान लेंगे कि आप लोग अभी तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ का चुनाव कैसे चल रहा है, क्या कमियाँ हैं जिसको त्वरित सरकार बनने के बाद उस पर सुधार करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. तशीश, ये सर आपने जल्दी जल्दी सिलेबस के बाहर सवाल पूछ दिया सीधा से, है ना? ये तो थोड़ा बहुत ट्यूशन लो. हाँ तो बताओ. मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जितने भी हम आर्टिस्ट हैं ना, हमको एक अच्छी जगह मिल जाए जहाँ पे हम ऐसे बैठ के बातें करें, और वो सिर्फ वो 2 दिन का ना हो कि मंत्री जी आए रिबन काटे, 2 दिन कुछ बहुत बढ़िया हुआ, उसके बाद फिर हम जाली साफ कर रहे हैं, उनको भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो भी छुट्टी पे आ रहे हैं, जाली बढ़ते जा रहे हैं. एक प्रॉपर सी चीज़ हो जहाँ पे सब कुछ अच्छे से हो, आर्टिकुलेट हो, आर्टिकुलेट देखिए शब्द देखिए, आर्टिकुलेट हो और ढंग से चीज़ें हों आर्टिस्ट लोगों के लिए, ये है. बाकी डेवलपमेंट तो क्या है कि अब देखिए हम वो प्रिविलेज लोग हैं तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि रहने को छत है, खाने को खाना है, तो इसके बारे में बेहतर वो लोग बता पाएंगे इनके पास कमियां हैं. तो मैं सही इंसान हूँ नहीं इसके लिए बात. चलिए बेहतर, तो अगर मैं आर्टिस्ट लोगों से ही पूछूं तो आर्टिस्ट लोग क्या चाहते हैं? मैं मानता हूं कि मैं बेसिकली मैं इस पर्सपेक्टिव में बिलीव करता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं. ये जो मतलब प्लेटफॉर्म वाला जो सीन होता है ना सर, जैसे मेरी जब आपसे बात पहले भी हो रही थी, तो
तो हमारे पास एक कैमरा है और हम अब दुनिया हमारे एक्सेस में है, तो अब मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि कंप्लेन करना वाला जो सीन है ना सर, लाइक इट्स नॉट अ अब एक्सक्यूज नहीं है कि हाँ ये नहीं वो, क्योंकि ना अभी हमारे जेब में दुनिया है फ़ोन के माध्यम से, अब जो अचीव करना है ना सर वो हमको करना है। मैं ये सोचता हूँ, अगर चलो मैं एक आर्टिस्ट डोमेन के हिसाब से बोलूँ अगर, तो जो सरकार अभी यहाँ चल रही है उन्होंने बस्तर में आर्टिस्ट के लिए जगह बनाया है, उनको अपने आप को रिकॉर्ड करने के लिए फैसिलिटी डेवलप की है, और ऐसे बंद जगहों को उन्होंने क्या बोलना चाहिए रेनोवेट कर दिया है कि वहाँ फुटफॉल बहुत आ रहा है, ठीक है, मतलब सरकार की बहुत अच्छी अच्छी हॉटशॉट प्रॉपर्टी सरकार ने डेवलप की है, जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डेवलप किया है, तो जब फुटफॉल आ रहा है और वहाँ मंच भी बना है तो आप बिल्कुल वहाँ के मैनेजर से बात करके आप अपना कोई ओपन माइक या कुछ भी करवा ही सकते हैं, जब फुटफॉल आ रहा है तो कैश इट, ठीक है, तो उसमें किसी ने रोका नहीं है, ठीक है। अगर चलो अगर कोई देख रहे हो, मेरे छोटे भाई बड़े भाई, तो मैं अपने तरफ से यही बोलूँगा कि इलेक्शन आने वाला है, आप अपने हिसाब से अपने विवेक से जैसा भी आप वोट करोगे, जिसके भी नेगेटिव पॉजिटिव देख के, आप सिर्फ ये देखो कि आपकी क्षमता में खाली इतना ही चीज़ है कि आप अपने एरिया के MP एंड MLA को वोट दे सकते हो जो आपको वादा कर रहा है कि भाई तुम्हारे इर्द गिर्द की चीज़ अच्छी बना दूंगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपने क्या बोलते हैं मेयर और पार्षद वार्षद वाले लेवल पे तुम हो सकते हो इन्वॉल्व, ठीक है। ये चार चीज़ के अलावा आगे सोचो ही मत कि कौन कांग्रेस आ रहा है, कौन BJP की आप आ रहा है, अगर ये चार के अलावा आप सोच रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप इन पार्टीज़ की फ्री पब्लिसिटी कर रहे हो, आपको मतलब तो आपका जो दायरा है जहां तक आप देख सकते हो वहां तक मेरे को कौन बना के देगा, आपको ये मतलब होना चाहिए। चुनाव हम किसका कर रहे हैं, हाँ वो आप अपने विवेक पे देखो, हाँ। कि हाँ मेरे को सही में कौन प्रॉमिस कर रहा है, और प्रॉमिस करने के बाद भी आप बेवकूफ बन रहे हो तो फिर आप देखो कि आपको कौन बेवकूफ बनाया। पर मेरे को एक आर्टिस्ट के के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो अभी जो सरकार है कांग्रेस सरकार, उसने काफी अच्छा चीज किया है। अब कोई भी सरकार आपको जगह बना के इनॉग्रेट करके दे देगा, लोक अर्पण करके दे देगा, लोकार्पण करके दे देगा, अब वो बार बार आके आपको नचवाएगा नहीं, गवाएगा नहीं, हो गया, अब नाउ इट्स योर कॉल कि आप अपनी भीड़ इकट्ठा करो, अगर आप सही में पात्र हो, अगर सही में आप में टैलेंट है, प्लस टैलेंट भी है तो कैसा टाइप का टैलेंट है, कि मान लो आप किसी और के बनाए हुए गाने कोई ज़िंदगी भर गाना चाहते हो, कि आप में इतना कीड़ा और इतना टैलेंट है कि आप ओरिजिनल कुछ बना सकते हो, ठीक है। अगर आप रैंट ही कर रहे हो सरकार के बारे में तो ठीक है, उस पर कुछ लिख लो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई आखिरी शेर सुनाने वाले थे जी, तो आपका ये जो भी एपिसोड है, इंटरव्यू है, जैसे भी उसको काटने वाले हैं, तो उसको सबको बढ़िया से रैप अप करके कि वो बस्तर नहीं है जो आप समझ रहे थे, जैसा भी था, तो ये आखिरी का वो बस्तर है जो सब कुछ सीख चुका है, ये वो कह रहा है, ठीक है, कि जिंदगी अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये वो बस्तर है जो सब कुछ सीख चुका है, वो रेडी है आगे बढ़ने के लिए, कि जिंदगी के सकमों का आज मैं हिसाब लेने आया हूँ, कि जिंदगी के जख्मों का आज मैं हिसाब लेने आया हूँ, जमीन मैंने चाट ली है, मैं आसमान ले रहा हूँ। एडल्ट लाइफ में यही हो रहा था ना कि रोज जिंदगी पूछ रही है कुछ कमी है, कुछ कमी है, रोज जिंदगी पूछ रही है कुछ कमी है, कुछ कमी है, खुद से मिलने को रोक रही है कुछ कमी है, कुछ कमी है, ओ ये लिखा मैंने नहीं है, मेरे फ्रेंड ने बनाया है, मैं साथ में बना रहा हूँ उसको, इसके आगे भी है कि इसके बहुत बड़ा गाना है, 25 गाने हैं, आएगा कंपाइलेशन में, एल्बम के फॉर्म में आ रहा है। तो एक लाइन आ गया है, तो ये बस्तर की जनता, ये बस्तर के तीन होनहार लड़के ही बोलूँ ना, ठीक है, लड़के ही बोलते हैं, वैसे हमारे यहाँ एक अलग भी है, ऐसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चों के लिए बोल सकते हैं, यहाँ के हिसाब से टूरा। तो फिलहाल ये जिसकी टीम, जिस टीम के साथ ये तीन होनहार लोग
जिन्होंने बहुत अच्छा आपको एंटरटेन किया, बहुत सारे गाने सुनाए, बहुत सारे उन गानों के पीछे की कहानियाँ सुनाई, बस्तर की खूबसूरती दिखाई अपने गानों में, अपने संस्कृति के हिसाब से, अपने संगीत के हिसाब से। तो यहाँ से हम लोग विदा लेंगे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। और आप लोग हमारे जिस्ट के लिए कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। वैसे जिस्ट आपको जैसा रिकॉर्ड किया है वैसा दिखाने की पूरी कोशिश करेगा, कोशिश क्या हम दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिस्ट का, उन्होंने यहाँ पे आके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का जो कोशिश किया है वो। और बेसिकली मुझे ये अच्छा लगा कि इतनी अच्छे तरीके से हम आर्टिस्ट जो हैं यहाँ के उनको सुना गया, और बहुत थैंक्स टू आपको। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, और आप आते रहिए यहाँ पे और यहाँ पे और डिस्कवर करते रहिए, और आपके आपकी टीम को ढेरों शुभकामनाएं मेरी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।